हमारे जीपी अंकल जी का खेत और ये बैठे हुए हमारे अंकल जी मुख्य अभियंता। और अरे कुछ तो भी मत जोड़े यार। ये रहे उनके फेवरेट हीरो दाऊ दाऊ जी था देखिए। हाँ, और ये रहा दाऊ जी ने जो खेत बोया है। तो तुम जो बोल रहे हो वो साउंड भी जाएगा, आप जो बोल रहे हो वो भी साउंड आएगा। और ये रहा उनका गोदान, इसको हमने एक बार यार ये कपड़े अपड़े हटा दो, हमने एक बार गर्मी में भी इसको देखा था। और अब वो अंदर का लेना सीन, और अब जब है तो ये हरा भरा है पूरा। उस समय जब हम आए थे तो गर्मी का समय था, सूखा था, और अब हम ठंड में आए हैं 4 महीने बाद, तो आप देख सकते हो कितनी हरियाली है। ये देखिए हम आपको दिखाते हैं आगे का और पीछे। पहले गेहूं का ले ले, ऐसा ना का वो लड़के को भेजना इंदौर, बोलता यार क्या कर रहे हो वहाँ, उसको बोलता है वो छोटे वाले, तुम बोलो भाई। तो ये देख सकते हो अंकल की खेती, यहाँ टमाटर, धनिया, गाजर, फूल गोभी और भी बहुत सारी चीज़ें उगाई अंकल ने। देख सकते हो यहाँ पे प्याज, ये प्याज उग रही है, और इसके आगे देखते चलिए बहुत सारी चीज़ें उगाई है। ये देखिए टमाटर, मटर, और आगे भी सरसों की भाजी वगैरह बहुत सी चीज़ें। और ये रहा पूरा अंकल का खेत, बहुत बड़ा और बहुत आलीशान। हाँ, हमारे अंकल का मंदिर माता रानी की दुआ से सब अंकल के ऊपर कृपा बरसी हुई है। और ये रहा उनका अंदर का गोदाम, आप देख सकते हो अंकल ने यहाँ लिखवाया कि आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हो, सामान को हाथ ना लगाएं। ये रहा अंकल का पूरा गोदाम, ये देखिए देख सकते हो, ये है अंकल का गोदाम। और अब हम बाहर आते हैं, अंकल बैठे हुए हैं, और अब हम चलते हैं आगे की ओर जहाँ मेरे अंकल का खेत है। देख सकते हो आप, इधर भी है और इधर भी अभी खेती हो रही है, और काफ़ी सारी चीज़ें अंकल ने इस बार खेत में उगाया है। चलिए बढ़िया है। और अब मैं दिखाता हूँ एकदम पास से, एकदम चने की भाजी देखिए आप, क्या प्यारी प्यारी भाजी है। ये देखिए ताजी ताजी बढ़िया चने की भाजी, ये देखिए क्या है। और अब आपको मैं दिखाता हूँ आगे, अंकल ने उगाए हैं धान, गेहूँ है शायद, ये धान नहीं है। ये देखिए बढ़िया, बीच बीच में सरसों की भाजी भी है, और ये धान है, ये देखिए दूर दूर तक देखिए। ये देखिए ये है फल्ली, बहुत बढ़िया फल्ली हुई है, एकदम ताजी ताजी फलियां लगी हुई है इस पर देखिए। और थोड़ी बहुत फली नहीं, काफ़ी सारी फली है, पर फली फली जहाँ देखो नजर तक फली फली हो रही है, टूबर की फली। और ये वही चना, वो रहा पीछे अंकल का गोदाम, और ये रहे चने की भाजी, और आगे आप देखिए सरसों क्या फैला है, सरसों बहुत दूर तक देखिए आप, सरसों की सरसों सरसों की सरसों। सरसों की भाजी खाने में जो मज़ा है वो आजकल का मज़ा ही कुछ और है। ये देखिए चारों तरफ देखिए सरसों की भाजी, और ये इधर देखिए पूरी फल्ली 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 फल्ली, जहाँ तक नज़र देखोगे वहीं तक आपको फल्ली नजर आएगी।
चारों तरफ बहुत शानदार खेती करी अंकल ने, बहुत शानदार। देख रहे हो कि तुअर की फल्ली तोड़ रहे और अब हमको पिलाएंगे एकदम गुड़ का काढ़ा। और ये रहे हमारे अंकल के दोस्त जो यहाँ बैठे हुए हैं, और पड़ोसी है अंकल के। ये रहा उनका खेत, वो भी आ गया पीछे का। ये अंकल का खेत है और ये रहे हमारे जेपी अंकल का खेत। तो आए के खड़े हो आगे दाओ, बता तो जरा आगे चलो ना आगे। ऐसे फोटोग्राफर है यार। अरे यार भाई हो ना तो ये आपका है, मतलब पूरा जमीन है ना। मटर वटर सब उगाई आपने। और ये कौन है आपके? कौन? वो मुख्य कार्यकर्ता है। मुख्य कार्यकर्ता, जैसे कि उनका नाम बसंत यादव। वाह। और ये आपके मित्र? ये हमारे पड़ोसी राम जी पवार। क्या बात है। और ये हमारे खेत के कार्यकर्ता मतलब मेन मुख्य अभियंता नहीं, ऐसा मत नहीं क्या, चलो ठीक है।